श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का शिव पुराण की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज इसे हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का अध्याय आरंभ करेंगे। इस वीडियो में हम पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। प्रथम अध्याय। इस अध्याय में हम सती का प्राकट्य जानेंगे। नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, हे विदाता, आपके मुख से शिव कथा के श्रवण के बाद भी मन में जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है, अतः संपूर्ण विश्व की सृष्टि वाले ब्रह्मा शिव भक्ति का वह दिव्य भाग हमें बतलाइए जो सती के संदर्भ में है। किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई और महादेव के संग विवाह किस प्रकार से हुआ। पूर्व काल में क्रोध पूर्वक शरीर को त्याग के पश्चात उनका प्राकट्य, तपस्या तथा शिव अर्धांगन के रहस्यमयी कथा क्या है। तब ब्रह्मा जी शिव शंभु का ध्यान करके नारद से कहते हैं, परम गोपनीय शिव जो पूर्व काल में निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, चिन्मय और विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, वही सगुण, शक्तिमान और उमा के साथ विराजमान थे। उनके वाम अंग से विष्णु और दाएं से ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। हम सभी उनके तीन रूप, अलग अलग कार्य, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में कार्य को संभालने लगे। ब्रह्मा जी ने देवता, ऋषि, असुर, दक्ष, प्रजापति आदि की रचना करके स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी मेरे हृदय से परम मनोहर रूपवती एक कन्या का जन्म हुआ जिसे संध्या नाम से जाना गया। उस परम सुंदरी के मुख की शोभा को देख करके मैं काम से पीड़ित हो गया और उस पर मोहित हो गया। ठीक उसी समय मेरे मन के द्वारा श्रेष्ठ मतवाले हाथी के भांति मदमस्त पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके शरीर की खुशबू से मेरे सभी पुत्र विस्मय से भर उठे तथा कौतूहल पर उसे देखने लगे। उत्पन्न होते ही उस श्रेष्ठ पुरुष ने मुझे प्रणाम करते हुए अपने लिए योग्य कार्य पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उसे फूलों के कोमल और सुगंधित पांच बाणों के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को मोहित करके सृष्टि संचालन का कार्यभार सौंपा। तुम्हारे बाण के द्वारा सदा मदमस्त और मंत्रमुग्ध रहने की बात कही। इसके पश्चात उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारे कर्म अर्थात सृष्टि का प्रवर्तक के नाम यह मेरे पुत्र ही बतलाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने मौन भाव से पुत्र की ओर देखा और कमल पर आसीन हो गए। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे कामदेव का प्राकट्य एवं विवाह। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उनके पुत्रों ने उचित नामकरण करते हुए रहने हेतु निवास स्थल एवं उत्तम सर्वगुण संपन्न पत्नी प्रदान की। ऋषि आगे कहते हैं, जन्म लेते ही हमारे मन का मंथन करने के कारण, मंथन एवं अद्वितीय रूप के कारण काम रूप से विख्यात होंगे। लोगों को मदमस्त बना देने में प्रवीणता के कारण, मदन एवं दर्प से उत्पन्न होने के कारण दर्पक नाम से ख्याति होगी। तुम सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, बल पराक्रम में तुम्हारी क्षमता कोई भी नहीं कर सकने वाला। तुम्हारी पत्नी रति होगी। मेरे वहां से अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात दक्ष कामदेव से फिर कहने लगे, मेरे शरीर से सभी गुणों से युक्त इस कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करो।
ऐसा कह करके उन्होंने अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न रति नाम की कन्या के साथ विधिपूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। उस कन्या के हाव भाव रूप गुण से कामदेव मोहित हो उठे। रति को पाकर के कामदेव ने उसे अपने हृदय रूपी आसन में विराज कर अभिमान और प्रसन्नता से उसी प्रकार से भर उठे जैसे योगी पुरुष हृदय में विद्या को धारण करके गौरवान्वित होता है। रति और कामदेव एक दूसरे को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता से भर उठे मानो चंद्रमा को चकोर मिल गया हो। सूत जी आगे कहते हैं, ब्रह्मा के इस प्रसंग को सुनकर के नारद जी फिर कहते हैं, हे पितामह, कामदेव के विवाह के पश्चात सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कन्या संध्या का क्या हुआ, कृपया करके इस संदर्भ में भी बतलाइए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शुभ लक्षणों से युक्त मेरी मानस पुत्री संध्या ने तपस्या के द्वारा शरीर त्याग करके पुनर्जीवन प्राप्त किया। अरुंधति के नाम से विख्यात उस कन्या ने उत्तम व्रतों का पालन करते हुए त्रिदेव के कहे अनुसार महर्षि वशिष्ठ को पति के रूप में वरण किया। इस पर नारद जी ने कहा, हे पितामह, संध्या ने कैसे तप को साधना तथा शरीर को त्याग किया और पुनः जन्म को पाया वह बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, सकाम भाव के उत्पन्न होने पर संध्या ने निश्चय किया कि इस भूतल पर जन्म लेते ही काम भावना से कोई भी पीड़ित ना हो ऐसा मर्यादा में स्थापित करूंगी। यह विचार करके संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या को तपस्या के लिए गया जानकर मैंने वेद वेदांग विद्वान जितात्मा वशिष्ठ से उसे उचित दीक्षा देती हेतु कहा। वह तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर के उस स्थान पर जा पहुंचा जहां सुंदर नदी के तट पर संध्या तपस्या में रत थी। जिस प्रकार गंगा हिमालय के गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाती है ठीक उसी प्रकार चंद्रभागा भी पर्वतों के शिखरों को भेदती हुई समुद्र की ओर जा रही थी। परम मनोहर तपस्वी संध्या को देखकर अनजान भाव से वशिष्ठ जी तब कहने लगे, हे भद्र, तुम अपने किस विचार को पूर्ण करने हेतु तपस्या में लीन हो, यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मुझसे बतलाऊं। संध्या ने जब ऋषि को देखा तो अचंभित रह गई। अद्वितीय दिव्य आभा तेज प्रकाश पुंज के समान तेजों में ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करते हुए संध्या ने सारी बात कह सुनाई तथा उनसे यथोचित मार्गदर्शन की मांग करने लगी। वशिष्ठ तो सर्वज्ञाता थे, उन्होंने संध्या से अन्य कोई प्रश्न किए बिना ही शिव शंकर का ध्यान करते हुए कहा, हे शुभांगी, परम परमेश्वर शिव को ध्यान में धर के हृदय में धारण करो, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष के आदि कारण हैं, उनकी आराधना से ही सभी सुख प्राप्त होता है। मौन रहते हुए स्नान करना, महादेव का पूजन करना तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, प्रथम दो बार छठे समय केवल जल का पूर्ण आहार करो, जब तीसरी बार छठा समय आवे तब आप वास करो। इसी क्रम में तपस्या की समाप्ति तक करने से अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार के उचित निर्देश को देकर के ऋषि वशिष्ठ जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज हम अपनी कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं और कल फिर यहां से आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हम उनका ध्यान करते हुए यहीं पर आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।